हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग रोटरी हैमर ड्रिल मशीन को नॉर्मल ड्रिल मशीन में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम लोग SDS चक को की चक में कैसे कन्वर्ट करें। वैसे इसको कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है, हम लोग इसको कन्वर्ट करके भी देखेंगे और इसका लेंगे डेमो, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने कन्वर्ट किया है वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें SDS चक को नॉर्मल चक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्रिल बिट हैं, ये है वुड की ड्रिल बिट, ये है मेटल की, ये मेसनरी की है, और ये जो ड्रिल बिट्स हैं ये भी मेसनरी ड्रिल बिट्स हैं, बट ये रोटरी हैमर ड्रिल मशीन की हैं और ये SDS चक में लगती हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाली बिट है, अगर अब मैं इसको SDS चक में लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि फिट नहीं होती है। इसी कारण से हमें रोटरी हैमर ड्रिल मशीन को, या फिर हम कहें इस SDS चक को, नॉर्मल चक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग मेटल की बिट भी आराम से लगा सकें। तो यह है हमारा चक जो मैंने ऑनलाइन से लिया था, ये 13mm का चक है। इसके साथ में आपको एक की मिल जाता है और ये मिल जाता है आपको SDS एडप्टर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका MRP दिखा रहा है 270, बट ऑनलाइन में इसके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हो सकता है ये आपको 200 से लेके 350 या फिर 400 के बीच में मिलेगा। तो ये रहा हमारा 13mm का चक, उसकी की, और ये रहा हमारा SDS एडप्टर। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी कोई स्क्रू चक के अंदर लगता है वो उल्टे खुलते हैं और उल्टे बंद होते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज खुलेगा, आप ये बात ध्यान रखिए, नहीं तो अगर आप पेचकस से गलत तरीके से टाइट करेंगे तो स्क्रू खराब हो जाएगा। क्लॉकवाइज खुलेगा, बाकी सारे स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं, बट ये जो है क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है। दिख रहा है आपको? तो चलिए हम जरा इसको पहले खोल लेते हैं। लगाने के लिए यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं, जस्ट मैं सिंपली इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा। अब इसके अंदर हम ये स्क्रू लगा देंगे। जैसा कि मैंने बताया था ये उल्टा टाइट होगा, मतलब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। ये देखिए मैं उल्टा घुमा रहा हूँ, अब ये टाइट होगा, ये अच्छे से हो चुका है टाइट, और ये हमारा जो चक है ये हो चुका है रेडी। इसको ड्रिल मशीन में लगाना बहुत ही आसान है। ये जो हमारा SDS चक है इसमें सिर्फ आप इसको पुश फिट कर दीजिए। ये देखिए अब जो हमारी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है ये नॉर्मल ड्रिल मशीन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम मेटल की बिट नहीं लगा पा रहे थे, अब आप आराम से इसके अंदर मेटल की बिट लगा सकते हैं। ये देखिए इसको मैं की से अच्छे से टाइट कर दूंगा और ये मेरी लग गई है मेटल की बिट। तो यहाँ पर हमारी बिट लग चुकी है। चलिए अब हम लेते हैं इसका डेमो और करते हैं ड्रिल मेटल और वुड के अंदर और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो अब हम करते हैं अपना डेमो स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लेके रखी है 19mm की प्लाई। सबसे पहले हम करेंगे इसमें ड्रिल, उसके बाद हम करेंगे मेटल में ड्रिल। तो सबसे पहले जरा मैं इसमें लगा लेता हूँ वुड की ड्रिल बिट। जब भी आप लोग वुड या फिर मेटल में ड्रिल करें तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये इसको हैमर का ऑप्शन है, इसको आप चेंज करके ड्रिल के मोड पे ले आइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रिल करना। इसने ड्रिल तो बड़े अच्छे से किया है, सिर्फ एक दिक्कत ये आ रही है कि इसका वेट बहुत हैवी है जिसको मुझे कैरी करना पड़ रहा है। अब हम लगा लेते हैं इसमें 10mm की वुड की बिट, फिर देखते हैं ड्रिल करके। टेन एमएम की वुड के ड्रिल बिट से इसने आसानी से ड्रिल कर दिया है। सिर्फ एक बात यह हो रही है कि जब मैं ड्रिल कर रहा हूँ तो हल्का सा यहाँ पर वाइब्रेशन आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि चक है यहाँ पे शेक कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। बाकी जो हमारी नॉर्मल ड्रिल बिट्स है उसमें चक हिलता नहीं है, यहाँ पर चक अच्छा खासा शेक कर रहा है। तो जब आप मोटी ड्रिल बिट्स लगाएंगे तो वाइब्रेशन के साथ ही ड्रिल करेगा। चलिए तो अब हम कर लेते हैं मेटल प्लेट पर ड्रिल। ये जो मेरी मेटल प्लेट है ये 5mm की है, इस पर अब हम ड्रिल करके देखते हैं मेटल की बिट से। अब हम करेंगे ड्रिल इस मेटल प्लेट पे, तो मैं इसके अंदर अब लगा लेता हूँ मेटल की ड्रिल बिट।
इसने मेरी मेटल की प्लेट पे अच्छे से ड्रिल कर दिया है। जरा मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ड्रिल तो अच्छे से हुआ है, बट ये जो रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है ये अच्छी खासी हैवी रहती है और जो ये चक है ये थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से हमारे SDS चक को नॉर्मल चक में कन्वर्ट कर लिया और ये हमारी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन से एक नॉर्मल ड्रिल मशीन बन चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फायदे और नुकसान की। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मेटल की बिट्स हैं वो SDS चक के लिए नहीं आती हैं, तो आप अपनी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन को नॉर्मल चक में कन्वर्ट करके मेटल के अंदर ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपको वुड या फिर मेटल दोनों जगह ड्रिल करने की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ एक ये मशीन कैरी कर सकते हैं और अपने तीनों काम कर सकते हैं। मतलब आप इससे कॉन्क्रीट में ड्रिल कर सकते हैं और ये चक लगा के, कीचक लगा के आप मेटल और वुड में भी ड्रिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीचक लगाने के नुकसान की। तो जब भी आप कीचक लगाएंगे तो ये जो चक है अच्छा खासा शेक करता है जिससे आपका ड्रिल प्रॉपर नहीं हो पाता है। दूसरी बात, ये मशीन वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी है तो जब आप ड्रिल करते हैं तो अच्छी खासी वाइब्रेट करती है जिससे आपको ड्रिल करने में टाइम भी लगता है और इतनी सफाई से ड्रिल भी नहीं हो पाता है। और इसकी तीसरी खामी ये है कि अगर आप इसमें 10 mm या फिर 13 mm की बिट करेंगे तो ये चक और ज़्यादा शेक करेगा जिससे आपका ड्रिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डेली बेसिस पे वुड या फिर मेटल में ड्रिल करना रहता है तो आप एक नॉर्मल ड्रिल मशीन ले लीजिए, इस प्रकार का कन्वर्जन मत करिए, क्योंकि यदि आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये चक बहुत ज़्यादा शेक करता है जिससे आपकी मशीन डैमेज भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।